नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न का चौथा भाग है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 के, sin 60 के, tan 60 के या sin 30 के। हमने इसमें से सही विकल्प ढूंढना है। तो आइए हम अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों इसके लिए हमें देखिए ऊपर भी tan 30 है और नीचे भी tan 30 है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात वाला टेबल लेंगे और इसमें हम देखेंगे tan, यह है tan और यह है 30 डिग्री। तो ये मिलेंगे यहां पर और आप देख पा रहे हैं tan 30 की वैल्यू कितनी आई है, 1/√3। ये आई है ना 1/√3, ये है tan और ये है 30 डिग्री, तो ये आई है 1/√3। तो देखिए 2 गुना tan 30 यानी 1/√3 बटा यह वाले बड़ा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 है 1/√3 इसका स्क्वायर। तो इसे अब हमें हल करना है। आइए देखते हैं, 2 गुना 1 हो जाएगा 2/√3 और उससे नीचे आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1/√3 का स्क्वायर होगा 3। अब हम इसे आगे हल करते हैं। देखिए ऊपर है 2/√3, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, नीचे है बड़ी बटा। यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो वह आ जाएगा 3। 3 को 1 से भाग करने पर प्राप्त होगा 3 और वह 3 ऊपर 1 से गुना होकर हो जाएगा 3। 3 गुना 1 3। देखिए इस लघुत्तम को इस 1 से भाग किया, 3 को 1 से भाग करके आया है 3, वह 3 ऊपर 1 से गुना होकर बन जाएगा 3 माइनस 3 को 3 से भाग करने पर प्राप्त होगा 1, 1 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 1। आइए अब हम इसे आगे हल करते हैं। ये अलग पेन इसलिए ताकि आपको ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में फर्क पता लग जाए। ऊपर है देखिए 2/√3 2/√3 और इसके नीचे है 3 में से 1 माइनस किया 2 बटा नीचे है 3। तो आइए इसे हल करें, 2/√3 इस भाग का बन जाएगा गुना और उसके नीचे वाली जो रकम है वह आगे जाकर उल्टी हो जाएगी, यानी ये 2/3 है, अब ये बन जाएगा 3/2। अब इस स्टेप में देखिए यह 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बच गया 3/√3। हमें पता है हम हर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते, तो हम करेंगे इसका परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए क्या है, क्योंकि नीचे √3 है इसलिए इसको ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर बन जाएगा 3/√3 और नीचे आ जाएगा √3/√3। √3/√3 होता है 3। तो बच्चों देखिए 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा, 3 और 3 कट गया, बाकी बच गया केवल √3। अब हमें देखना है कि √3 किसके बराबर है, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30 के बराबर है। तो आइए हम इसे अपने टेबल में देखते हैं। देखिए बच्चों ये हमारे पास टेबल है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, इसमें √3 ढूंढना है। देखिए यहां पर √3 नहीं है, यहां पर भी √3 कहीं नहीं है, यहां पर है cot 30। तो क्या cot 30 है, हमारी ऑप्शंस में cot 30 नहीं है, हम आगे ढूंढते हैं। √3 ढूंढना है हमें, देखिए यहां पर भी √3 नहीं है, यहां पर √3 है जो कि tan 60 डिग्री के बराबर है और इसके अलावा और कहीं भी √3 नहीं है। तो √3 cot 30 था लेकिन cot 30 हमारी ऑप्शन नहीं है। अब अगली ऑप्शन है tan 60 डिग्री, तो देखिए tan 60 डिग्री
ये रहा टेन 60 डिग्री, इसका मतलब जो रूट थ्री है वह टेन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे प्रश्न का सही विकल्प यानी सही उत्तर कौन सा है, सी भाग, और इसका उत्तर है टेन 60 डिग्री। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि इसी प्रकार आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आप अन्य प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।